तो रणवीर सेमैन को आपने सुना जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और उनकी तरफ से कहा गया कि हम यहीं पर है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम चंडीगढ़ में ही रहेंगे। सीएम मनोहर लाल करनाल के लिए निकल चुके हैं, जैसा जिक्र सूर्य समाचार ने पहले भी किया था कि 11:30 बजे करनाल में एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए सीएम मनोहर लाल वहां की तरफ रुख करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल राजभवन से वहां के लिए निकले हैं और सरपंचों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम चंडीगढ़ में ही रहेंगे और जब समय हमें मिलेगा एक मरतबा फिर तो हम मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल के साथ, और जो भी निर्णायक निर्णय होगा इस पूरी बातचीत का वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दो दौर की बैठक कल होती है, कल रात 11:30 बजे तक ये बैठक चलती है और अब आज तीसरे दौर की जो बैठक सीएम मनोहर लाल के साथ होनी थी उसमें अब विलंब है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। सीएम मनोहर लाल करनाल के लिए निकल चुके हैं, एक कार्यक्रम जो पहले से तय था उस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे, 11:30 बजे का वो तय कार्यक्रम। ऐसे में अब सरपंचों को, सरपंच एसोसिएशन को, 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को कुछ और इंतजार करना होगा। लेकिन एक बेहतर चीज ये कि सरपंचों की तरफ से, 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की तरफ से, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सेमैन की तरफ से ये कहा गया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर रहने वाले हैं, हम चंडीगढ़ में ही रहेंगे और चंडीगढ़ में रहकर ही हम इंतजार करेंगे कि सीएम की तरफ से मुलाकात के लिए कब बुलाया जाता है, हम यहीं पर रहकर इंतजार करेंगे और आखिरी दौर की जो बैठक है उस बैठक में क्या निर्णय होता है वो बताया जाएगा। सरपंच और मुख्यमंत्री की जो बैठक है उसके समय में बदलाव हुआ है, अब ये बैठक आप कह सकते हैं कि शाम के वक्त तक हो सकती है, हालांकि अभी वक्त तय नहीं है, लेकिन जो तमाम सरपंच है, 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का जो चंडीगढ़ पहुंचा है वो चंडीगढ़ में ही रहेगा और चंडीगढ़ में रहकर ही वो सीएम की कॉल की वेट करेंगे। रवि चंदेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, राजभवन सीएम थे और उम्मीद थी कि सीधे वो यहाँ के लिए आएंगे, लेकिन 11:30 बजे का जो तय कार्यक्रम था करनाल में, वहां के लिए सीएम निकल चुके हैं।